हम कार्यालय का नाम देते हैं जिसमें हमारे कार्यकर्ता अपने जी जान से खून पसीने से दिन रात मेहनत करता है। इस पार्टी को खड़ा करने में हजारों लाखों हमारे कार्यकर्ता नेताओं का खून पसीना लगा है। हमने बिना पर्ची खर्ची के अगर कहीं नौकरियों देने की बात की है तो इस समाज में फैली गंदगी को साफ करने का हमने काम किया है। बहुत ही एक सुनहरा अवसर, क्योंकि जिस कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है, ये कार्यालय मात्र एक भवन नहीं है मित्रों, ईंट गारे से बनाया हुआ, सीमेंट सरिये से बनाया हुआ एक भवन, उसको कार्यालय का नाम नहीं देते। हम कार्यालय का नाम देते हैं जिसमें हमारे कार्यकर्ता अपने जी जान से खून पसीने से अपने मन के विचार से अपने उत्साह से उमंग से बैठ करके काम को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। इसको मंदिर का स्वरूप देते हैं, ये हमारा मंदिर है। जब यहां कार्यालय नहीं होता, पार्टी का काम तो वहां भी होता है, लेकिन घरों से जब पार्टी चलती है तो लोग उस व्यक्ति के हिसाब से पार्टी को जोड़ देते हैं कि इस व्यक्ति की पार्टी है, इस व्यक्ति की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का नाम थोड़ा नीचे हो जाता है, उस कार्यकर्ता का उस नेता का नाम ऊपर हो जाता है। लेकिन हम क्योंकि देश की एक ऐसी पार्टी है जो किसी व्यक्ति के हिसाब से नहीं, एक सिद्धांत, एक विचारधारा, इससे चलने वाली पार्टी, इस पार्टी को खड़ा करने में हजारों लाखों हमारे कार्यकर्ता नेताओं का खून पसीना लगा है। बहुत लंबा एक इतिहास है इसका। हमारे कंधों पर आज पार्टी का काम आगे बढ़ाने का दायित्व है, तो हमको पार्टी का काम कराने के लिए एक वातावरण भी उसी प्रकार का अच्छा वातावरण चाहिए। उसमें कहना है कि कार्यालय की अपनी भूमिका है। वैसे तो कहते हमारी पार्टी के पांच कै ये उसकी भूमिका में रहते हैं, जिसमें कार्यकर्ता है, कार्यक्रम है, कार्यालय है, कार्य पद्धति है और हमारा कोष है। कोष के बिना भी बात चलती है। तो ये पांच कै हैं जिसके ऊपर हमारी पार्टी व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ती है। लेकिन एक छठा कै भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। पांच कै तो किसी भी पार्टी के कारण यानी काम के साथ जुड़े होंगे, लेकिन हमारे साथ छठा जो जिसकी चर्चा उपकाश धनखड़ जी कर रहे थे, वो है हमारा चुनाव चिन्ह कमल। वो भी एक कै है। तो इस कमल का अलग अलग प्रकार से व्याख्या की जा सकती है। मैं जब कभी इस कमल के चुनाव चिन्ह का किसी ने सुझाव दिया होगा, चयन किया होगा, कहीं अगर इसके ऊपर विचार किया होगा, तो उनको बहुत सराहना करता हूं इस बात की कि बड़ा सोच समझ करके कमल का जो निशान ये हमने प्राप्त किया है दिया। जैसा आप जानते हैं कमल जो है कीचड़ में खिलता है और कीचड़ में गंदगी भी होती है, लेकिन जब कमल खिलता है तो कमल, हमने देखा होगा कि कमल की पत्तियों के ऊपर, कमल के फूल के ऊपर कोई गंदगी का कण, कोई पानी की बूंद वो टिकने नहीं देता। इस कमल में से हमको संदेश लेना है तो हम कमल जैसे पवित्र रहेंगे और कहीं भी किसी प्रकार का कोई गलत बात हमारे साथ न चिपक जाए, कोई ऐसी अनैतिक बातें हमारे साथ न जुड़ जाए। कमल की पवित्रता के समान हम कार्यकर्ता भी पवित्र रहे। बहुत फिसलन है, खास करके राजनीतिक क्षेत्र फिसलनों से भरा हुआ है। हम समय समय पर कण कण पर कई बातें सुनते हैं कि यहां ये गड़बड़ हो गई है, वहां वो गड़बड़ हो गई है। उस गड़बड़ को सुधारने के लिए उसमें भी कमल की जो जड़ है, कमल की जो बेल है, उसका भी गुण होता है। कमल पवित्र ऊपर हमको दिखता है, लेकिन कमल की जो जड़ है, कमल का जो बीज है, वो उस पानी को साफ भी करता है। जिस गंदगी में कमल खिलता है, गंदगी को कुछ समाप्त करने के लिए कमल की जड़ें और कमल की जो बेल है वो अपनी भूमिका निभाती है। तो हम लोग उस गंदगी को साफ करने के लिए कितने प्रकार के काम हमारी केंद्र सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, रोजाना कोई ना कोई नई बात हमारे विचार को, देशभक्ति के विचार में उत्प्रोत करने के लिए। अभी हमने देखा कि जैसा स्वतंत्रता दिवस, इसको हमने इस बार अमृत महोत्सव का नाम दिया।
15 दिन पूरा देश देशभक्ति के कैसे वातावरण में हर घर तिरंगा के नाम से चल रहा है। ऐसे वातावरण को बदलने में, इन गंदगी को साफ करने में, देश में हो चाहे प्रदेश में हो, जहां जहां हमारी सरकारें हैं, हमने कितने ही ऐसे काम किए हैं इस भ्रष्टाचार रूपी कैंसर को समाप्त करने के लिए, अनैतिक कामों के प्रति सख्त रवैया अपनाने के लिए। हमने बिना पर्ची खर्ची के अगर कहीं नौकरियों देने की बात की है तो इस समाज में फैली गंदगी को साफ करने का हमने काम किया है। हमने गरीब आदमी की सेवा करने के लिए जो भीड़े उठाए हैं, जितनी योजनाएं बनाई हैं, वो भी एक समाज की जो भ्रामक स्थिति है, समाज की जो न्यून स्थिति है, उसको ठीक करने के लिए गरीब आदमी को भी मुख्य धारा में आगे बढ़ने का एक अवसर मिले, इसलिए हम काम कर रहे हैं। तो मित्रों, कार्यालय केवल मात्र भवन का उद्घाटन हो रहा ऐसा नहीं है, बल्कि एक संदेश, एक विचार, एक सिद्धांत, इसको आगे बढ़ाने में हमारी भूमिका, हमारे कार्यालय की भूमिका, इस सबको हम आजाद कर रहे हैं। तो आज के इस अवसर के ऊपर जितने भी हम काम कर रहे हैं इसके समय में, मैं आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। इसी प्रकार के हम कामों में आगे बढ़े, आगे लगे रहे, तो क्या दे राजनाथ सिंह जी का हमको संदेश सुनने को मिलेगा, इसलिए बहुत अधिक बोलने की आवश्यकता न होते हुए मैं पुनः आप सबको बधाई देता हूँ और माने राजनाथ सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे इस कार्यालय के कार्यक्रम में आप आए, हमको आप मार्गदर्शन देंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम आपके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, हमेशा हमेशा आपकी बात हम सुनते रहे, आगे भी सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।